अमृत सुन दूध कृष्ण श्री राम श्रीराम राम जे राम श्रीराम जय राम जय जय राम, राम, राम। सच्चिदानन्द भगवान् की सनातन धर्म की पेड़ सोए सोए खाते रहते हैं बढ़ते रहते हैं फूलते रहते हैं फलते रहते हैं उनको खाने के लिए अलग से कोई मुख और संकल्प नहीं करना पड़ता यदि हम सोए होते और भोजन पैर से या मुंह से या चमड़ी से कहीं चला जाए जैसे पेड़ को जड़ों से रस पहुंचता रहता है यदि हमें भी भोजन हवा से या किसी तरीके से पेड़ की तरह मिलता रहता तो हम सोए सोए बढ़ जाते सोए सोए बच्चे हो जाते पर उस समय हमको सुख दुख ना होता होता सब लेकिन सबके होने का हमें पता भी ना होता शायद पेड़ को अपने फूलने का फलने का विशेष अनुभव न होता होगा कामा का व्यक्ति कामा वाला व्यक्ति जीवित है चलो वो अपने आप नहीं खाता लेकिन किसी द्वारा उसको दे दिया जाता है भोजन पहुंच जाता है पेशाब नली से उसका शाब निकल जाता है और बरसों जीवित रह जाता है अर्थात शरीर से संबंध जुड़ना हमारी मनोवृत्ति के आने पर होता है जब तक मन न हो वृत्तियां ना हो दे से कोई मतलब नहीं तो पेड़ में और हम में क्या फर्क है कि उसके पास अभी मन नहीं है तन तो है श्वास भी है विकास भी है श्वास चलती है पेड़ के हमारे सोने पे श्वास चलती है कि नहीं और सोने पर रक्त संचार होता है लगभग हमारा सोना और पेड़ का पेड़ का पूरा जीवन हमारी नींद की अवस्था बराबर जैसे नींद में हमको सब कुछ होते हुए कोई मतलब नहीं रहता पेड़ ऐसे ही है अब ये पेड़ ऐसे बनाने का प्रयोजन यदि पेड़ हमारी तरह होते तो उनको काटते फल तोड़ते तकलीफ होती परमात्मा ने जिसको जैसा काम देना है जैसी जिम्मेदारी दी तैसे ही सब कुछ बना दिया पेड़ को परमात्मा ने आदमी की तरह चेतना नहीं दी श्वास दी विकास और बढ़ना दिया फूलना फलना दिया लेकिन चेतनता सोई रहती पशु में थोड़ा भिन्न है न मनुष्य की तरह ज्यादा सोचता है न पेड़ की तरह दुख से रहित है उसे भूख लगती है कष्ट होता है और खाने का संकल्प होता है पेड़ को भूख लगती है उसे पता नहीं चलता संकल्प नहीं होता लेकिन नेचर से रस नाड़ियों में उसके पहुंचता रहता है पशु में इच्छा होती है ठंडी लगती है ठंडी से हटाने का मन होता है और वो कहीं गर्म जगह पर बैठता है भूख लगती है खाता है नरमादा का आकर्षण होता है सृष्टि होती है उसकी सभी क्रियाएं मन से युक्त हैं, सभी क्रियाएं पेड़ की क्रियाएं नेचुरल हैं, वहां मन नहीं नेचर से होता है पशु में मन और इंद्रियों से होता है हमारे सब व्यवहार मन इंद्रिय से ही नहीं कुछ समझ से होते हैं भूख लगने पर भी ये नहीं खाना इतनी इतनी जल्दी नहीं खाना आज उपवास है आज व्रत है आज एक बखत खाएंगे भूख लगी मन में खाने की इच्छा हुई पर हमारी किसी भावना ने सोच ने संकल्प ने कि भई आज दिन भर नहीं खाएंगे ऐसा करते हैं कि नहीं पशु भी कभी कभी नहीं खाते लेकिन वो इसलिए नहीं कि आज उपवास है आज बीमार है जानवर नहीं खाता जब पशु बीमार होता है खाने की इच्छा ही नहीं होती नहीं खाता हमें खाने की इच्छा होती है भूख लगती है पर हम इच्छा होने पर भी उपवास कर सकते हैं काम वासना आती है पर अभी हमारी शादी नहीं हुई हम उस पर नियंत्रण करते हैं हम समझ द्वारा अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण करते हैं और उस समझ का निर्माण अपनी अपनी देश संस्कृति रिलीजन के अनुसार हुआ है मनुष्य मनुष्य इसीलिए कई तरह के हैं एक की इच्छा होने पर वह अपनी इच्छा की पूर्ति अपनी संस्कृति अपनी कल्चर अपने देश अपने रिलीजन के अनुसार करता है सब एक तरह का नहीं करते ये इसलिए उदाहरण देता हूं कि हम समझ लें कि हम हिंदू हैं मनुष्य ही हिंदू है मनुष्य ही मुसलमान है और मनुष्य ही ईसाई है और मनुष्य ही ब्राह्मण क्षत्रिय वही शूद्र है मनुष्य पशु कोई पशु मुसलमान कोई पशु हिंदू कोई पशु ईसाई नहीं है उनकी कोई कल्चर नहीं है उनकी कोई ऐसी संस्कृति नहीं है कि इस देश के जानवर ऐसे जीते हैं उस देश के जानवर ऐसे जीते हैं फला देश के जानवर शादी करते हैं और फला देश के जानवर बिना शादी के संतान पैदा करते हैं सारे दुनिया के जानवर शादी नहीं करते सब एक जैसे अब धीरे धीरे मनुष्यों में भी कुछ जानवर बन रहे हैं जिनको कोई इस तरह की संस्कृति नहीं दी गई वो भी शादी नहीं करते तो इसमें कोई विकास नहीं हुआ बल्कि संस्कृति ना आए तो जानवर तो हम अपने आप हैं ध्यान रखो बिना रिलीजन के बिना संस्कृति के बिना किसी मान्यता के जो जीता है वो कौन है जानवर जानवरों की अपनी कोई संस्कृति नहीं नेचर आवश्यकता है खा लेंगे आवश्यकता है प्रजनन कर देंगे आवश्यकता है थके हैं बैठ जाएंगे मंदिर है हमें ऐसे बैठना है ऐसा कोई जानवर में नहीं या यहां लोग हैं ऐसा काम लोगों के बीच नहीं करना है इसीलिए कई लोग ये भी बोलते हैं मुझे अंग्रेजी नहीं आती कि मनुष्य क्या है सोशल एनिमल है सामाजिक जानवर है हर समाज का ख्याल रखकर अपनी इच्छाओं की पूर्ति करता रहता है तो एनिमल एक सामाजिक एनिमल नहीं है समाज से उसका कोई लेना देना नहीं है अपनी जरूरतें सहज ही पूर्ति करता है जानवर रास्ते में गोबर कर देता है हमको बताया गया है कहां करना चाहिए देखो बहुत गहरा विचार करो हम लोग अभी तक बाहर जाया करते तब भी हमारी एक मान्यता थी बाहर जाने की और हमारे गाय भैंस की पहले जैसा करते थे आज कर रहे हैं हम बाहर जाते थे अब बाहर नहीं जाते पर भीतर जाते हैं पर कहीं ना कहीं थोड़ी करते हैं आपको किचन में लग जाए तो वहीं कर लोगे देखो चाहे हम कितने बाहर के जगह भीतर जाते हैं जंगल की जगह घर में जाते हैं लेकिन तब भी नियम था कि यहां नहीं करना वहां जाना अब भी नियम है कि किचन में नहीं करना लेटरिन में जाना और लेटरिन के लिए ही नियम नहीं है प्रजनन के लिए भी नियम है मनुष्य कौन है जो कोई ना कोई नियम बनाकर जीता है जानवर कौन है जो नियम बनाकर नहीं जीता जरूरतों से जीता है हम अपनी जरूरतों को परिस्थिति के अनुसार पूरा करते हैं हमको भी सोच लगी जानवर को भी लगी लगना समान है पर उसे जहां लगी कर दिया अपन ने जगह चुन रखी है वहां की जानवर को काम वासनाई पूरी कर ली हमने नियम बना रखा है शादी करके करना मनुष्य कौन जो किसी न किसी कानून का पालन करता है जानवर कौन कि कानून उसके यहां नहीं है या तो रस्सी है या खूंटे में बंधा है तो काम ने पर खूंटे में बंधा है क्या करेगा जानवर को भूख लगी मुश्का लगा है क्या करेगा वो बाहरी बंधनों से नियंत्रित होता है हम अपनी संस्कार जन्य मान्यताओं से बंध जाते हैं हम भी बंधे हैं स्वेच्छा से अपने हित के लिए अपने कल्याण के लिए एक व्यवस्था स्वीकारी है उस व्यवस्था रूपी रस्सियों से बंधे जानवर बाहर बंधा दिखाई देता है मनुष्य हाँ, हम भी बंधे हैं यदि मान्यता की रस्सी ना होती हम हिंदू हैं हम पंडित हैं हम बनिया हैं हमें ऐसा करना चाहिए ऐसा करना नहीं चाहिए हम साधु हैं हम भी बंधे हैं हम स्वतंत्र नहीं हैं। ध्यान रखो हमें कौन मना करता है कि साधु होकर ये नहीं करना है या युद्ध नहीं करना है साधु को ठाकुरों को करना चाहिए साधु को नहीं लड़ना चाहिए यह हमें सिखाया गया उस बंधन में हम जीते हैं ठीक अब एक और इससे लाभ क्या हुआ इससे एक और ऊंची बात आई कि यहां तक हमें लगता है हमारी मृत्यु होती है अब समझ देखिए और हमें समझा दिया गया तुम्हारी मृत्यु नहीं होती ये माना नहीं समझा हमारी जबान जैसे डायबिटीज के पहले थी डायबिटीज होने के बाद जबान नहीं बदली चीनी वैसी मीठी लगती है पहले और डायबिटीज के बाद समझ ने कहा नुकसान करता है किसी डॉक्टर ने बताया कि इसके खाने से नुकसान है तो जबान भी वैसे ही मन भी वैसे ही अभी भी मेरे मन को वैसे ही पसंद आएगी चाहे खा के देखना रोकता कौन है समझ तो समझ की जरूरत तो नहीं है ना सिर्फ इंद्रियों के अनुसार मन के अनुसार चलना है मनमुख या गुरुमुख मन के अनुसार चलना है या शास्त्र के अनुसार इसलिए गीता क्या कहती है यह शास्त्र विधि मुत्सिज लोग गीता नहीं मानते ना माने बहुत जानवर हैं जो गीता नहीं पढ़े मनुष्य में भी अभी जानवर हैं और जो नहीं है बनाने की कोशिश चल रही है कि मनुष्यता खत्म करो कहेंगे मनुष्यता की बात पर बनाना चाहते हैं जानवर यह शास्त्र विधि बिधी, शास्त्र विधि में वर्तते काम कारता काम के अनुसार इच्छा के अनुसार चलते हैं इच्छा ही उनकी जरूरत है जरूरत को इच्छा नहीं बनाया जरूरत की इच्छा नहीं बनाई इच्छा को ही जरूरत बना ली जैसे आ, मीठा अच्छा लगता है खाएंगे ये अब दूसरा क्या है भाई हमें स्वस्थ रहने की भी तो इच्छा है और मीठा नुकसान करता है तो अब क्या करना है अब अपनी इच्छा को समझ में बदलना है इसी तरह से हमें मरने की इच्छा नहीं है बचने की इच्छा है इस इच्छा की पूर्ति के लिए क्या करें जैसे डायबिटीज से बचने के लिए जबान को अच्छी लगने पर भी छोड़ें पसंद आने पर ना खाएं। ये करना पड़ता है कि नहीं भाई देखो डॉक्टर के कहने पे तो करना पड़ता है यदि धर्मशास्त्र कह देते तो मान लो तुम्हें नहीं समझ में आता इसीलिए आज भी यदि हम कह दें ना कि हम हम ये नहीं खाते नहीं थोड़ा खा लो स्वामी हम कहते हैं तो धर्म के अनुसार कहते हैं तो आप नहीं मानते तो हम लोगों को भी डॉक्टर की बात कहनी पड़ती है जब कोई खिलाने वाला नहीं मानता तो हम कह देते हैं डॉक्टर ने मना किया फिर आप मान जाते हैं सरकार ने मना किया है मान जाते हैं धर्म ने मना किया है कभी हम धर्म नहीं मानते धर्म तो अफीम है हम धर्म पर विश्वास नहीं करते डॉक्टर पे करते हम गीता पर विश्वास नहीं करते साइंस पे करते तो साइंस के हिसाब से तो मरोगे साइंस तुमको बचाने का कोई रास्ता बताती ही अब धर्म क्या करता है गीता क्या करती है गीता कहती है देखो शरीर तुम नहीं हो शरीर में सुबह आते हो जागते भर रहते हो फिर सोते हो तब तुम देह में न रह के स्वप्नों में रहते हो तुम ही तुम स्वप्नों में तो नहीं होते देखो जागृत में हम ही इस देह में होते हैं ये नियम मुसलमान पर लागू की हिंदू पर बनिए पर की पंडितों पर साधु पर की गृहस्थ पर हम जो लेक्चर दे रहे हैं ना हमारी दृष्टि से हम किसी रिलीजन की बात नहीं कह रहे हम एक प्रकृति के ला और मानव की जरूरत प्रकृति का नियम क्या है और मानव चाहिता क्या है प्रकृति का नियम है कि जन्म के बाद शरीर जवान होगा बूढ़ा होगा अंत में यह प्रकृति का ला है दूसरा प्रकृति का एक और वसूल है नियम है कि जगोगे तो देह में रहोगे सोगे तो सपनों में रहोगे और गहरी नींद होगी तो फिर सपनों में भी नहीं रहोगे ये नियम आ, कांग्रेस ने बनाया है अच्छा बीजेपी ने बनाया आ, सपा ने हाँ नई नई सरकार बसपा ने ये सो जाने पर देह का भान न रहना स्वप्ने दिखने लगना गहरी नींद में चले जाना गहरी नींद में दुनिया से कोई लेना देना न रहना चाहे कितना दुखी है पापी है निश्चिंत होके कुछ देर पाप से मुक्त तो हो जाता है पाप के ख्याल की पीड़ा से निर्धनता की पीड़ा से मुक्त तो हो जाता है ये सभी पीड़ाओं से मुक्त करने की स्कीम गहरी नींद में किस सरकार ने बनाई अच्छा चलो हमारी सरकार ने जो बहुत लोगों के लिए नहीं है हमारे लिए एक और सरकार है देखो हम कह रहे हैं हम उस सरकार के हैं जिसका बनाया ला है कि शरीर पैदा होगा जवान होगा बूढ़ा होगा मरेगा उस सरकार का नियम है कि जागोगे इसके साथ रहोगे स्वप्न देखोगे गहरी नींद में जाओगे उस सरकार का नियम है कि एक दिन ये देह तुम्हें छोड़ना पड़ेगा हमारी सरकार का जिसको तुम नहीं मानते हम समझते हैं कि ये सरकारें कभी अपना कानून बदल सकती हैं हमारी सरकार तो कभी कानून नहीं बदल सकती कभी संशोधन नहीं करती अपने संविधान में हमारी सरकार तुम्ही को श्रद्धा से अपनी मती को हमारी सरकार के संविधान के अनुसार राजी होना चाहिए तुम अपनी राजी के अनुसार सरकारें बदलते हो कानून बदलते हो मतलब से मालिक बदलते रहते हो हमारे मालिक को हमें बदलने का अधिकार नहीं है और उनसे हमने बहुत अप्लीकेशन दिए आंदोलन किए पर उसने अपना संविधान नहीं बदला और आगे भी कहता है हम नहीं बदलेंगे तब फिर हम सरकार के विरोध में हैं हम हां सुन लो जरा हम उस सरकार के विरोध में हैं कि भाई हम मरना नहीं चाहते ये कानून कैसा हम संबंध विच्छेद नहीं करना चाहते ये कैसा तुमने बना के रखा है हम अपने उस ईश्वर के खिलाफ हुए तो उन्होंने कहा देखो मैं तो बदलने वाला हूं नहीं मैं संविधान तो बदलूंगा नहीं पर एक रास्ता है यदि सुखी रहना चाहते हो तो मेरे से समझ लो तुम जीना चाहते हो ना तो हम उपाय बताते हैं कि तुम नहीं मरोगे तुम नहीं दुखी होगे जब मेरे विधान के अनुसार ये सब चलता है ये तो मैं नहीं बदलूंगा पर मेरे विधान में है कि जो मेरे विधान को मेरी सृष्टि के उद्देश्य को सही सही समझ लेगा वो उसकी इच्छा पूरी हो जाएगी क्या कौन सी इच्छा न मरने की सुखी रहने की निश्चिंत तो होने की ये इच्छा हमारी है कि नहीं नास्तिकों की तो नहीं है मैं पूछता हूं नास्तिक मरना चाहता है क्या नास्तिक अपने प्रिय का भी योग चाहता है क्या नास्तिक छोटा होने को तैयार है क्या तो नास्तिक हमारी अभिलाषा को पूरी नहीं करता भगवान पर विश्वास करने वाला अपनी अभिलाषा को पूरी कर लेता है इसलिए हम भगवान के भक्त हैं भगवान को हम मना नहीं रहे भगवान के भक्त हैं इसका मतलब हम भगवान को गाइड करेंगे कि ये बंद करो आप लोग भी भगत हैं पर आप भगवान को गाइड करते हो आप उसे पटाने में लगे हो ये कर दो वो कर दो ये मरना बंद करो हमारा ये क्यों हो गया तुम भगवान से संविधान संशोधन करवा रहे हो हम भगवान से संविधान का संशोधन न कराकर उनसे कहते हैं प्रभु हमको थोड़ी और बुद्धि दो कि आपके संविधान की अच्छाई हमें समझ में आ जाए हम तुम्हारे संविधान की महत्ता समझ सके और ये समझ सके कि आपके संविधान से ही हमारा कल्याण होगा संविधान बदल कर नहीं होगा तेरे संविधान में हम कैसे तर सके कैसे आजाद रह सके कैसे मुक्त रह सके अपनी अभिलाषा अपनी मांग तेरी दुनिया में रह के पूरी कर सके तो तेरी दुनिया में हम काम भी करें और हमारी मांग पूरी हो जाए हमारी मांग न मरने की हमारी मांग निश्चिंत रहने की हमारी मांग आ, दुख से शोक से भय से मुक्त होने की कैसे होगी तो भगवान ने कहा जो इस बंधन से इस प्रकृति के नियम के बंधन से वो छूट जाएंगे जो मेरी शरण आए माया मेताम तरंती थे माम एव ये प्रपद्यंते माम एव, अन्य की नहीं केवल मेरी शरण आने वाले कोई लाखों देवी देवताओं की शरण जाने वाले नहीं किसी और की शरण जाने वाले नहीं जैसे लोग कहते बुद्धम शरणम गच्छा आ, हम लोग क्या कहते हैं हा परमात्मा शरणम गच्छा हम परमात्मा की परमात्मा कौन सुप्रीम ट्रुथ परम सत्य जिसकी ये सृष्टि है जिसमें ये सृष्टि है जिसके इच्छा के अनुसार सृष्टि है उसकी शरण में जाएं उसको अपना माने उससे अभिन्न हो जाएं तो ये दुनिया में रह कर चलाते हुए हम मुक्त रह सकते हैं बस एक रास्ता है दो नहीं वेदाहमेतम पुरुषम महातम महांतम आदित्य वर्णन तमसा अतिमृत्युवेति न नंथा पंथा विद्यते अय अन्य रास्ता नहीं है उसकी शरण जाए कहाँ रहता है वो सब जगह किसमें रहता है सब में तुम में भी रहता है तो तुम देह की देह का उपयोग करो देह की शरण में न रहो इंद्रियों का उपयोग करो इनका भरोसा मत करो तुम मैं में आओ काम करो पर तुम तुम्हारी शरण ब्रह्म है परमात्मा है उसकी शरण में रहकर काम करो अपने मालिक के पीए बनो आ, मालिक के नौकर बनो मालिक को मालिक समझकर उसकी भक्ति करो उसके विधान का आदर करो और आसक्त ना हो उसको अपने स्वार्थ की पूर्ति न करो भगवान का काम करो तो भगवान तुम्हें मिल जाएंगे और भगवान तुम्हारी जो मांग है तुम भगवान के संविधान का पालन करते हुए उसके संविधान में राजी रहते हुए भगवान को प्रेम करो तो तुम्हें क्या मिलेगी मुक्ति मुक्ति मिल जाएगी शांति मिल जाएगी पूर्णता मिल जाएगी और तुम अपनी कामना में लगे रहे वर्तते काम करता न ससिद्धि मवा होती न सुखम न परांगतिम ये गीता कहती है यदि तुम यह शास्त्र विधि मुसृज्य वर्तते काम कारता जो शास्त्र की बात को छोड़कर मनमानी चलते रहेंगे न ससिद्धिम अवापनोती न सुखम न पराम गतिम परम गति मुक्ति शांति निश्चिंतता नहीं मिलेगी और लगे रहोगे दिन रात दिन रात मेहनत करके फेल होगे जितना बन सके उतना ही करते रहोगे पर भगवान की शरण रहोगे तुम मुक्त रहोगे निश्चिंत रहोगे ये हमारे धर्म ग्रंथों का उद्देश्य है हम थोपते नहीं हम गीता थोपना नहीं चाहते हम ईश्वर जबरदस्ती नहीं देना चाहते क्यों हम इसका स्मरण करें क्यों ना हम मन का करें क्यों ना मनमानी करने कहीं इसलिए न करो कि मनमानी करके कहीं पहुंचोगे नहीं मरोगे दुखी रहोगे हाय हाय करोगे उलझे रहोगे इसलिए मनमानी छोड़ो गुरुमुख हो जाओ शास्त्र के अनुसार चलो अपने मन के इंद्रियों के अनुसार न चलो नीति का इस्लोक कहकर थोड़ी देर ध्यान कराएंगे आहार निद्रा भय मैथुनंच समान मेहतात धर्मो ही अधिको विशेषा धर्मेण ही न पशु भी ही आहार निद्रा भय मैथुन समानम एतत एतत समानम ये समान है पशु भी नरा ये तो है बराबर हम थोड़ा कहते हैं कोई नास्तिक कहता है कि ये लोग हम भी तो कहते हैं ये तो है पशु में और मनुष्य में बराबर है फिर कहते शाम अधिको विशेषा धर्म ही ना धर्म ही एक विशेष है एक समझ ही विशेष है मानव में और यदि वो भी नहीं रखता तब तो पशु भी समान फिर पशु के समान इससे लाभ क्या होगा कहते हैं, जब धर्म और बुद्धि का सम्मान करोगे भगवान ने हमें विवेक दे के भेजा है भगवान ने हमको अमृत के खोज के लिए भेजा है शांति की खोज के लिए भेजा है कि मेरा काम भी करो मेरा काम तुम्हें शांति मिल जाए तुम देश का काम करते रहो तुम्हें शांति मिले मुक्ति मिले यदि तुम अपने काम में लग गए नाम देश का लेके यदि अपने काम की पूर्ति में लग गए तो लड़ते रहोगे मरते रहोगे जलते रहोगे आप सही में दूसरी पार्टी से नहीं अपनी पार्टी से जलते रहोगे अपने मित्रों से जलते रहोगे पत्नी पति भी दुखी रहोगे क्यों सब तुम अपनी कामना की पूर्ति में लगे पड़े हो कामना तुम्हें पहुंचने न देगी इसलिए तुम कामनाओं से ऊपर उठकर राम हो जाओ आ, ब्रह्म सुख प्रभु की भक्ति का सुख लो और काम करते रहो तो लोग भी खुश रहेंगे ज्ञानी से जीव जंतु भी खुश होते हैं क्योंकि दूसरों का वो शोषण नहीं करता दूसरों का भला ही करता है क्योंकि उसका भला कोई पद में तो है नहीं इसलिए पद के लिए लोगों का दुरुपयोग शोषण नहीं करता मिसगाइड नहीं करता गुमराह जनता को नहीं करता क्योंकि पद चाहिए नहीं उसे तो मिल गया है परम पद परम शांति वो तो पा चुका काम करता रहता है ऐसे व्यक्ति को हाँ, हाँ वो पद का भूखा नहीं है पर पद उसके भूखे हैं ऐसे व्यक्ति की जरूरत है पद को कि कोई आए मुझे सुशोभित करे मेरे मुख्यमंत्री पद को प्रधानमंत्री पद को राष्ट्रपति पद को सुशोभित करे उससे मैं शोभा पाऊंगा राम राजा बन गए तो राम राम का राज्य शोभित हो गया राम तो वैसे ही राम थे जंगल में भी राम हैं, वो तो सदा राम हैं, उनका क्या है कोई गद्दी के लिए वो लालायित बैठे हैं? हाँ तो आप देह प्राप्त किया काम करते रहिए अब थोड़ी देर ध्यान करेंगे ये तो चिंतन की बात कह दी क्योंकि मेरा विषय हाँ चिंतन का है मैं आंखें पट्टी बांध के धर्म की पुष्टि नहीं कर रहा हाँ मैं ऐसे ही अंधराम का भक्त नहीं हूं मैं समझता हूं कि इसके बिना चैन किसी को नहीं मिली कल मैंने कहा था कमठ पीठ जाम बरुवारा बंध्याशुत बरु, बरु काउ मारा अंधकार बरु रबि ही नशावे अंधकार आक्रमण करके सूर्य को चाहे नष्ट कर दे जा ही नहीं सकता पर कर दे पर राम विमुख ना जीव सुख पावे राम से प्रभु से परम सत्य से ब्रह्म से विमुख रहकर देह और चीजों का भक्त बन के वस्तुओं का कुटुंब का पार्टियों का भक्त बन के चैन नहीं पाएगा ये खुद लड़ेंगे लड़ाएंगे इसलिए चैन के में रहकर जितना प्रभु के काम में आपका सहयोग हो जाए निमित्त बन जाओ निमित्त मात्रम भव शब्य साचिन तुम निमित्र बन जाओ तो अब हम थोड़ी देर अभी सहज भजन करेंगे आंख बंद कर लीजिए आंख बंद करके रीढ़ सीधी करके हाथों को चाहे हाथ से हाथ को ऐसे और चाहे जंघाओं पर हाथ रख लीजिए पर हाथों को ढीला कर दीजिए हाथ बिल्कुल जैसे ढीला कपड़ा पड़ा है जैसे शरीर में कपड़ा पड़ा है ऐसे ही आप के आप दिखाई नहीं पड़ते पर आप में इस शरीर की चमड़ी कपड़े की तरह ओढ़ी हुई है आपका शरीर कपड़े की तरह आपके ऊपर है या आप पहने हुए हैं इस कपड़े को बिल्कुल रिलैक्स शिथिल कर दीजिए और आप अंदर रहते हैं अभी श्वास आती जाती है जरा होश से श्वास लीजिए शरीर कपड़े की तरह या एक मकान की तरह है तुम इसके भीतर रह रहे हो भीतर के अंदर गतिविधि तुम कर सकते हो तो शरीर को शिथिल रखना एक श्वास को प्रेम और आनंद से लेना और छोड़ना दो प्रेम से एकाग्र के ध्यान से श्वास लेना यूं तो तुम सोए रहोगे तब भी श्वास चलेगी सोने में भी चलेगी लेकिन जागते हुए होश से श्वास लीजिए और छोड़ दीजिए धीरे धीरे आनंद से श्वास ले लीजिए जैसी श्वास आना चाहे आ जाने दीजिए और जाए तो उसे जाने दीजिए थोड़ा सा प्राण की गति में विच्छेद परिवर्तन कर दीजिए आती थी थोड़ा देर तक ले ली जाती थी थोड़ा देर तक छोड़ दी धीमी ले ली धीमी छोड़ दी लंबी ले ली लंबी छोड़ दी आती हुई श्वास में आने वाली श्वास को सहयोग दे दिया सहायता कर दी और जाने वाली श्वास की जाने में सहायता कर दी श्वास मेहमान है आए तो स्वागत करो आइए, आइए, वेलकम आने वाली श्वास का स्वागत करो और जाने वाली श्वास को श्रद्धा पूर्वक आदर से विदा करो और तुम चैतन्य रहो तुम चैतन्य रहो और अब आने वाली श्वास को मंत्रहीन श्वास मत लो मंत्र सहित श्वास लेने को शबीज ब्रीदिंग सबीज श्वास और एक निर्बीज श्वास बिना मंत्र की श्वास चले तो निर्बीज है मंत्र सहित श्वास चले तो सबीज है उससे कुछ उत्पत्ति होगी बीज से शांति की भक्ति की प्रेम की चैतन्यता की मुक्ति पैदा होगी समाधि पैदा होगी शांति पैदा होगी होश पूर्वक श्वास लीजिए छोड़िए अब संकल्प से जबान से नहीं बोलना आती हुई श्वास में संकल्प करो रा जाती हुई श्वास को छोड़ो मां आवाज नहीं संकल्प और श्वास भी आवाज भी हो तो झीनी झीनी अंदर ध्वनि हो रा माँ श्वास की ध्वनि श्वास की सिहरन श्वास की आवाज़ इतनी शांति की श्वास की आवाज़ अंदर आ रही वो बहुत धीमी सी श्वास बहुत धीमी सी श्वास जाती है उसमें रा, मां अंदर आते समय रा बाहर लौटते समय म रा मुण। रा मुण। रा, मुण। रा मुण। बड़े प्रेम से ऐसा लगे आज रतन मिल गया पायो जी मैंने राम रतन धन पायो ये खर्चने से रामधन खुटता नहीं कम नहीं पड़ता चोर इस धन को ले नहीं सकते समय परिस्थितियां मेरे आत्मधन को रामधन को इस चैतन्य शक्ति को छीन नहीं सकते वृत्ति जागृत होती है सो जाती है वृत्ति ही चेतन नहीं है वृत्ति में चैतन्य चमकता है चेतन तो अजन्मा अविनाशी नित्य शुद्ध मुक्त है चैतन्यता वृत्ति में पैदा होती है वृत्ति के बदलने से चैतन्यता बदलती है वृत्ति के लय होने से चैतन्यता का लय होता है पर चेतन तो आग के समान है दो तरह की अग्नि होती है एक जलती एक बिना जले एक दारुगत देखिए एकु पावक युग सम ब्रह्म विवेकु पावक युग सम चैतन्य विवेकु चैतन्य का विवेक अग्नि की तरह है कहीं प्रकट कहीं अप्रकट अप्रकट चेतन ब्रह्मांड में है और प्रकट चेतन अंतकरण में है अंतकरण में प्रकट चेतन सुषुप्ति में मृत्यु में अप्रकट चेतन चेतन तो आग की तरह है विशेष सबिशेष निर्विशेष चैतन्य कभी मूल रूप में चेतन पैदा नहीं होता मरता नहीं इसलिए राम नाम का सुमिरन करते रहो एकाग्र रहो चैतन्य रहो और जब चैतन्यता न रह पाए चैतन्यता में चंचलता आ जाए यहां से वहां चेतनता चली जाए कभी भीतर कभी बाहर पर एक चेतन भीतर से बाहर बाहर से भीतर आता जाता है वृत्ति कभी बाहर कभी भीतर चेतन बाहर भीतर एक रस बाहर भीतर एक रस जो चेतन भरपूर विभु नवसम समो ब्रह्म है नहीं नेरे नहीं दूर बाहर भीतर एको जानो ये गुरु ज्ञान बताई जन नानक बिन आपाचीने मिटे न भ्राम की काई जब तक भीतर बाहर चेतन एक रस है भीतर विशेष चेतन बाहर समान चेतन ये तो वृत्ति का फर्क है जागृत में विशेष चेतन सुषुप्ति में वृत्ति के लय होने से समान चेतन परिवर्तन वृत्ति में है अंतकरण में है गुणों में है आत्मा में ब्रह्म में कोई परिवर्तन नहीं होता पर उस सत्य तक जाने के लिए प्रभु भक्ति नाम की आवश्यकता है इसलिए नाम लेते भव सिंधु सुखाही करहु विचार सुजन मन माही जरा विचार करो श्वास लो श्वास छोड़ो राम नाम राम नाम एक जगह तो तुलसीदास ने जीव कहा है तो अभी मैं दोनों बोलूंगा राम नाम मणि दीप धरु जी दे हरी माही तुलसी भीतर बाहिरो जो चाहस उजियार राम नाम मणिदीप धर तुलसी भीतर बाहर हो भीतर और बाहर सर्वत्र यदि प्रकाश चाहता है तो राम नाम की मणि को जीव में धर ले ये है देहरी द्वार जी जो है देहरी है तो बाहर भी और भीतर भी मैं क्या कहता हूं आ, राम नाम मणि जीवधरी जीव नहीं जीव जीव एक देहली है जीव देहली है इससे भीतर आत्मा और बाहर संसार जीव ही जगत को देखने लगता है जीव ही ब्रह्म को पा जाता है जीव ही देहली है यहाँ राम नाम रक्त राम नाम का जाप कर जीवो जपति तत्वता जीव तत्व से जपे विचार करके जपे जीव ही जगत को देखता है जीव ही नींद में जाता है जीव ही सुमिरन करते करते राम को प्राप्त करता है जीव की बड़ी भूमिका है इसमें बुद्धि का साथ चाहिए इसलिए अंतर ब्रह्म निरंकार है बाहर सब आकार है तुम बीच में हो मैं मैं का वह और यह से संबंध है यह का उपयोग कर ले वह से आत्मा भाव कर ले उसमें भूत होकर यह से व्यवहार करे ये क्षमता जीव में है इसलिए राम नाम सुमिरन करते करते कभी एकदम खो जाओ भीतर की तरफ दिया की ज्योति हो जाए कभी बाहर की तरफ हो जाए कभी उभयात्मक फिर अंत में नानता प्रज्ञम न ना बहिष्प्रज्ञम नोभता प्रज्ञम न प्रज्ञम न अप्रज्ञम न प्रज्ञान घनम हाहा ये चैतन्य न प्रज्ञ है न अप्रज्ञ है न बहिष्प्रज्ञ है न अंता प्रज्ञ है न उभय प्रज्ञ है न घन है ये तो चित्त वृत्तियां हैं चैतन्य तो सदा ही एक रस निर्विकार है पर जो जागेगा सो पाएगा जो सुमिरन करेगा उस सत्य को पा जाएगा इसलिए थोड़ी देर एक मिनट और राम नाम का श्वास में सुमिरन कर बहुत अच्छे श्वास श्वास में राम नाम का सुमिरन कर श्वास भी देहली का दिया है वही श्वास ही हमें देह में लाई है और श्वास ही हमको ब्रह्म में ले जाएगी प्राण से ही हाँ प्राण पुल है पुल से ही हम उस पार जाते हैं उसी पुल से इस पार आते हैं ये रूपी पुल है प्राण रूपी इस प्राण के सहारे ही हम देह में आया करते हैं प्राण ना हो तो देह में नहीं आ सकते और प्राण ना हो तो परमात्मा को पा नहीं सकते इसी श्वास के सहारे धीरे धीरे अंतरात्मा में जा सकते हो और इसी श्वास के सहारे देह संसार में आ सकते हो इसलिए श्वास का भजन में बड़ा महत्व है श्वास ग्रास ना बिसरे श्वास श्वास में भगवान का भजन करे श्वास को व्यर्थ नहीं खोना चाहिए इक्कीस हजार छ सौ श्वासें दिन भर में चलती हैं कितनी तो व्यर्थ चली जाती हैं कुछ श्वासों का ही सदुपयोग होता है कुछ श्वासों का सदुपयोग करो सजग रह के प्रेम पूर्वक भक्ति से प्रेम एकाग्रता भक्ति से श्वास लीजिए रा मा, एक एक श्वास प्रेम में डुबो दे भक्ति में लीन कर दे रस में पूर्ण कर दे रा जैसे नाड़ी चलती है हृदय धड़कता है ऐसे ही श्वास रा मौ। रा, मौ। रा, मौ। रा म रा म, सब सुखदाता राम है दूसर नाहन को कह नानक रे मना ते ही सुमिरत गए राम नाम के सुमिरन से गति मिलेगी मुक्ति मिलेगी कई लोग रोज कोई खंडन करता है कोई कुछ करता है हमारे गुरुओं ने कहा इसी का सुमिरन कर इसी से गति होगी इसी से मुक्ति मिलेगी सब सुखों का भंडार है राम नाम। बहुत अच्छे अब एक मिनट के बाद छुट्टी एक मिनट और बिल्कुल शांत बिल्कुल सहज स्वास्थ्य चल रही है ठीक है शरीर है ठीक है संसार है तुम कौन हो चैतन्य दृष्टा तुम सब कुछ जानते हो ये भी जानो कि मैं जान रहा हूं सब कुछ हो रहा है तुम भी जानो ये कि मैं कुछ कर नहीं रहा सब कुछ पता चल रहा है किसको मुझे मैं ही सर्वाव भाषक सर्व प्रकाशक और राम क्या है जगत प्रकाश्य प्रकाशक राम मायाधीश ज्ञान जगत प्रकाश है प्रकाशक राम है और इस समय अंतकरण वृत्तियों का प्रकाशक कौन राम जो सब जगह को प्रकाशता है वही अंतकरण श्वास को प्रकाश रहा है जो अंतकरण श्वास को प्रकाशता है यही सारी सृष्टि का प्रकाशक है प्रकाशक दो नहीं है दो तो उपाधियां हैं परिवर्तन वृत्ति में है जगत का प्रकाशक तो सदा प्रकाश रूप ही है स्वयं प्रकाश न सोवत जागत ना कहूं गया ना आया नहीं उत्पत्ति प्रलय नहीं सृष्टि ईश्वर जीव न माया अब मैं आप में आप समाया और अब धीरे धीरे बिना हड़बड़ाहट के सहज भाव से शांत रहते हुए छोड़ दीजिए बहुत अच्छे अभी का कार्यक्रम पूरा होता है शाम की सभा रात्रि की सभा प्रतिदिन की भांति होगी और कल भी इसी तरह कार्यक्रम चलेगा यद्यपि ये रास्ते चलते समय दिया निरंजन ज्योति जी की जिम्मेदारी लगाई और उन्होंने अपने आप सब लोगों के संपर्क से ये जल्दी का प्रोग्राम है भविष्य में जब कभी देंगे पाँच दिन का दिया करेंगे क्योंकि एक दो दिन में तो तैयारी होती है तो आप सब लोगों का इसमें लोकहित और आत्महित सबका हित इसी में है आप लोग मिलकर इस काम में जुड़ें और सारे विश्व को पहले अपने परिवार को फिर अपने देश को और ये संदेश विश्व तक जाए धीरे धीरे इतना ही कहकर समा